हेलो एवरीवन, हमारा आज का वीडियो है अवैस्कुलर नेक्रोसिस यानी AVN पर। अवैस्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है? हमारी हड्डी में कई भाग में जब खून का संचार बंद हो जाता है, या तो वो टेम्पररी बंद होता है या परमानेंटली खून का संचार हड्डी के कई भाग में बंद हो जाता है। जब वहाँ पर खून का संचार बंद हो जाता है, जिस वजह से वहाँ की हड्डी में जो टिश्यूज़ है, सेल्स है, वो मरने लगती हैं, वो डाई होने लगती है, जिस वजह से जो हड्डी है वो आपस में चिपक जाती है, कोलैप्स हो जाती है। और अगर यही AVN अवैस्कुलर नेक्रोसिस आपके जोड़ के आसपास होता है तो आपके जोड़ भी चिपकने लगते हैं, जोड़ का शेप बदल जाता है, हड्डी का शेप बदल जाता है और हड्डी का जो अलाइनमेंट होता है, नॉर्मल अलाइनमेंट, वो भी बिगड़ जाता है। अवैस्कुलर नेक्रोसिस को असेप्टिक नेक्रोसिस, ऑस्टियोनेक्रोसिस और इश्चेमिक बोन नेक्रोसिस भी कहते हैं। ये कंडीशन अवैस्कुलर नेक्रोसिस हमारी कोई सी भी हड्डी में हो सकती है। सबसे ज़्यादा जब फ्रैक्चर होता है जिस हड्डी का, तो उसमें रिस्क होता है अवैस्कुलर नेक्रोसिस का। उसके साथ साथ अवैस्कुलर नेक्रोसिस ज़रूरी नहीं है एक ही हड्डी में हो, कभी कभी एक से ज़्यादा हड्डी में भी हो सकती है एक ही समय पर। या फिर अवैस्कुलर नेक्रोसिस हमारी जो पूरी हड्डी है उसमें एंड का जो पार्ट है, अपर एंड और लोअर एंड, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है, देखने को मिलता है, उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। अब सबसे ज़्यादा अवैस्कुलर नेक्रोसिस हमारे कूल्हे की हड्डी में यानी हमारे हिप जॉइंट में देखी गई है, उसके बाद नी जॉइंट में, हमारे घुटने के जोड़ में, हमारे कंधे के जोड़ में, शोल्डर जॉइंट में, हमारे पंजों के जोड़ में, हमारी कलाई के, हमारे रिस्ट के जोड़ में देखे गए हैं, हमारे कोहनी के जोड़ में भी देखे गए हैं। तो अवैस्कुलर नेक्रोसिस यानी कि AVN ऑस्टियोनेक्रोसिस, जब कोई फ्रैक्चर होता है, ट्रॉमा होता है, तो हड्डी में किसी भाग में खून का जो संचार हो रहा है, जो नॉर्मल ब्लड सप्लाई हो रही है, वो रुक जाती है, वो कम हो जाती है या फिर पूरी ही रुक जाती है, जिस वजह से उस हिस्से को, उस टिश्यूज़ को, बोन के उस टिश्यूज़ को इतना ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता, जिस वजह से वहाँ की सेल्स और टिश्यूज़ मरने लगती है, डाई होने लगती है, जिस वजह से वो हिस्सा सड़ जाता है, गल जाता है और काला पड़ जाता है, नीला काला पड़ जाता है। उसके साथ साथ हड्डी जब खराब हो जाती है तो हड्डी का अलाइनमेंट भी चेंज हो जाता है, जो नॉर्मल शेप होना चाहिए, साइज होना चाहिए, वो नहीं रहता, धीरे धीरे कम होने लगता है, शेप बदलने लगता है हड्डी का। उसके साथ साथ इसकी वजह से पेशेंट को उठना, बैठना, चलना, फिरना, अपने जोड़ों का मूवमेंट करना, रेंज ऑफ मोशन, उन सब में दिक्कत आती है। अब अवैस्कुलर नेक्रोसिस पुरुषों में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, महिलाओं से हम कंपेयर करें तो, और इसका सबसे मुख्य कारण रहा है तो ट्रॉमा, फ्रैक्चर, इंजरी या फिर इन्फेक्शन। वैसे तो अवैस्कुलर नेक्रोसिस किसी भी एज में हो सकता है जिनको ये दिक्कत आ रही है, पर खासकर जिनकी हड्डियां कमज़ोर होती जाती है उम्र के साथ साथ, जैसे 30 से 60 की उम्र के लोग या उससे उम्र के लोग, तो उनमें ये सबसे ज़्यादा रिस्क है। अब अवैस्कुलर नेक्रोसिस किन कारणों की वजह से होता है? सबसे मुख्य कारण है इसका ट्रॉमा, यानी आपकी हड्डी में फ्रैक्चर हो जाना या आपकी हड्डी निकल जाना, डिसलोकेशन हो जाना हड्डी का, जिस वजह से जो खून का बहाव होना चाहिए ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज, वेन्स में, उतना नहीं हो पाता, और जिस वजह से हड्डी में इतना खून नहीं पहुँच पाता और हड्डी में धीरे धीरे सड़नी हड्डी शुरू हो जाती है, और जिस वजह से अवैस्कुलर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ डिसलोकेशन हिप सबसे ज़्यादा कारण है, 20% से ज़्यादा लोगों का डिसलोकेशन ऑफ हिप में AVN देखा गया है। जो लोग हैवी ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा लेते हैं, शराब का सेवन ज़्यादा लेते हैं, इस वजह से फैट का डिपोजिशन होता रहता है उनके ब्लड में, और जो ब्लड सप्लाई है जितना हड्डी में जाना चाहिए उतना नहीं पहुँच पाता और हड्डी में अवैस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। बाइफॉस्फोनेट्स, अगर आप ऐसी मेडिकेशन मेडिसिन ले रहे हैं जिससे आपका बोन डेंसिटी तो बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से आपके जो जैसे जो जॉ है, जो आपका जबड़ा है, वहाँ पर आपका ब्लड सप्लाई कम हो रहा है,
या फिर आपको कैंसर हो रखा है ब्रेस्ट का, या कैंसर सेल्स आपके बॉडी में उत्पन्न हो गए हैं कहीं एरिया में, बहुत ज़्यादा जगह कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से भी खून का संचार कम हो जाता है, ऑस्टियोनेक्रोसिस की दिक्कत आती है। या फिर आपको ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे आप रेडिएशन थेरेपी लेते हैं, आप कैंसर के हो जाता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, आप किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो उनमें भी ये देखा गया है अवैस्कुलर नेक्रोसिस। उसके साथ साथ अगर आप स्टीरॉयड ड्रग्स ले रहे हैं, अगर इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आप लंबे समय तक ले रहे हैं, तो जिस वजह से भी एवियन हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आपको आपका ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, या स्ट्रोक की दिक्कत आ गई, या फिर आपकी आर्टरीज वेन्स यही डैमेज हो गई है, तो जिस वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाता है, हड्डी में नहीं जाता है, ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, अगर क्लॉट बन गया है तो वो इतना जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता, रुक जाता है। अगर आर्टरीज डैमेज हो गई है तो आर्टरीज से ही ब्लड फ्लो होता है, तो अगर जब आर्टरीज ही डैमेज हो गई तो ब्लड जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता, ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से अवैस्कुलर नेक्रोसिस की दिक्कत आती है। और भी कुछ कारण है जो नॉन ट्रॉमेटिक है, यानी किसी ट्रॉमा की वजह से नहीं हुआ, जैसे डीकम्प्रेशन सिकनेस हुआ है पेशेंट को, गैस बबल्स बन रहे ब्लड के अंदर ही, या फिर डायबिटीज है पेशेंट को, हाई डायबिटी है पेशेंट, या पेशेंट को गॉटरस डिजीज हो गई है जिसमें फैटी सब्सटेंस जो है वो ऑर्गन्स में कलेक्ट होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, HIV इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया पेशेंट को, जब पेशेंट ड्रग्स लेता है बिसफॉस्फोनेट्स लंबे समय तक, ब्रेस्ट कैंसर और मल्टीपल माइलोमा के लिए, जिस वजह से एवियन हो जाता है जबड़े का, जॉ का, अगर पैंक्रियाज का इन्फ्लामेशन है पेशेंट को, या फिर रेडिएशन थेरेपी कीमोथेरेपी पेशेंट की चल रही है, ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है कुछ, या मतलब सेल्फ इन्फेक्शन इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गई, ल्यूपस, या फिर सिकल सेल अनिमिया हो गया, ब्लड का जितना अमाउंट होना चाहिए उससे कम हो गया पेशेंट का, तो इस वजह से अवैस्कुलर नेक्रोसिस, यानी ब्लड का जो संचार जाना चाहिए है वो उतना नहीं जा पाता। अब जब एवीएन होता है जिस जगह पे, जिस जोड़ पे, जिस हड्डी में, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? अगर जिस जोड़ का, जिस हड्डी का एवीएन हुआ है, तो वहाँ बहुत तेज का दर्द उठता है। उसके साथ साथ पेशेंट को अगर घुटने पे, अगर आपका हिप का एवीएन हुआ है, तो आपका ग्रोइन रीजन से, आपके हिप के पेल्विस रीजन, ग्रोइन रीजन से लेके आपका दर्द पूरे घुटने से लेके नीचे तक शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ आपको झंझनाहट, सुनापन लगता है, कमजोरी महसूस होती है, मांसपेशी और बहुत ज़्यादा कमजोर पड़ जाती है, जोड़ों का दर्द होता है, उसके साथ साथ आपका मूवमेंट जो है वो सही से नहीं हो पाता, प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता, रेंज ऑफ मोशन रुक जाता है। उसके साथ साथ जब आप चलते हो तो आप सीधा नहीं चल पाते, आप लड़खड़ा के चलते हो, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, मतलब आपका बैलेंस नहीं रहता है, आपको कुछ सामान उठाने में दिक्कत आती है, आपको चलने में, उठने में, बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है। उसके साथ साथ आपका पोस्चर बिगड़ता जाता है, आपको लो बैक पेन की दिक्कत आती है, आपका जो दिनचर्या का काम है, नॉर्मल जो रूटीन है डेली एक्टिविटी का, उसमें आपको दिक्कत आनी लगती है, आपको बहुत थकान महसूस होती है, हेडेक होता है, नोजिया सा लगता है, ऐसा लगता है चक्कर आ रहे, गिरने का डर रखता है, कब्ज की या डायरिया की दिक्कत, लूज मोशन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ आपको आपको चलने में भी बहुत दिक्कत आती है, आपका गेट पैटर्न सही नहीं रह पाता, आप जिस वजह से लिंपिंग गेट हो पाता, एक पैर पे ज़्यादा वेट जाता है और एक पैर पे इतना वेट नहीं पा जा पाता, आपका रेंज ऑफ मोशन रुक जाता है। उसके साथ साथ पेन रेडिएट होता है, अगर कंधे में एवियन हुआ या रिस्ट में, तो हाथों में उंगलियों तक झंझनाहट, सुनापन, या फिर अगर हिप का, नी का हुआ है एवियन, तो पैरों तक पूरा उंगलियों तक आना लगता है दर्द, सूजन आ जाती है जोड़ में, टाइट लगता है बहुत जोड़, स्टिफ जाम हो जाता है, और कभी कभी लाल लगता है वो हिस्सा, बहुत ज़्यादा टाइटनेस लगती है इससे में। अब एवीएन का पता कैसे किया जाता है? डॉक्टर आपका एवीएन का चेक करते हैं, आपकी हड्डी का आपको पूछते, पहले आपको कोई फ्रैक्चर हुआ है, कोई दिक्कत है, किस जगह पे दर्द है, सूजन कहाँ पर है, आपको टाइटनेस कहाँ लगती है, आपके मूवमेंट चेक करते हैं, रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं, वो एरिया देखते जहाँ पर्टिकुलर पेन है, और उसको उसका मूवमेंट करके देखते हैं। उसके साथ साथ आपकी हड्डी को प्रॉपर देखने के लिए इमेजिनिंग टेस्ट करते हैं, एक्सरे से, MRI स्कैन से पता किया जाता है, CT स्कैन से पता किया जाता है, बोन स्कैन से पता किया जाता है, फंक्शनल बोन टेस्ट होते हैं उनसे पता किया जाता है। और अगर जबड़े का दर्द है और जबड़े का एवियन हुआ है, तो डेंटिस्ट आपका माउथ एग्जामिनेशन भी करते हैं। तो इन सबसे अवैस्कुलर नेक्रोसिस का, एवियन का पता किया जाता है।